हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं एक ख़ास जगह लेके आया हूँ आप लोगों को। ये है एक ऐतिहासिक दिल्ली का चांदनी चौक। तो दोस्तों, आज मैं पूरा चांदनी चौक एक्सप्लोर करूँगा और आपको बताऊँगा कि चांदनी चौक किसके लिए फेमस है, क्या क्या यहाँ पर मिलता है और आप कैसे यहाँ पर आएँ और कैसे एक्सप्लोर करें। तो चलिए, आज चांदनी चौक को दिखाते हैं, पूरा बताते हैं आपको चांदनी चौक के बारे में। चलिए दोस्तों, अगर चांदनी चौक आना है तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो है यहाँ का लाल किला है, तो लाल किला उतर जाइए और पूरे दिल्ली से यहाँ पर बसें आपको मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और अगर आप पर्सनल वाहन से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। MCT की पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, तो आप आराम से आइए। दोस्तों, चांदनी चौक भारत के सबसे सस्ते मार्केट में से एक है और यहाँ पर सुई से लेकर हीरे जवाहरात और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़ों की अनेक वैरायटी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, चांदनी चौक बहुत ही विशाल मार्केट है, यहाँ पर ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध होता है। तो ये चांदनी चौक अब पहले वाला चांदनी चौक नहीं रह गया, जहाँ भीड़ भाड़ ट्रैफिक। अब 2021 में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसका पूरा रिनोवेशन कर दिया गया है और इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और चांदनी चौक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत दिखने लगा है और यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक जाम की समस्या अब नहीं है। और ये देखिए, चांदनी चौक से लाल किला आप देख पा रहे होंगे, खूबसूरत लाल किले का नज़ारा। यहाँ 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं और पूरे देशवासियों को संबोधित करते हैं। पूरे चांदनी चौक में सभी तरह के वाहनों पर बैन कर दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ मैनुअल रिक्शा मिलेगा आपको और नहीं तो आप वॉक करके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रियली बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। तो आप वॉक करते करते पूरा चांदनी चौक में ख़रीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ के लजीज पकवान खा सकते हैं। तो रियली आपको बहुत मज़ा आएगा, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों, चांदनी चौक लाल किले के पास लाहौरी गेट से शुरू होकर नई सड़क तक जाता है। ये पूरा चांदनी चौक लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी फेमस गलियां हैं, वो चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो में। ये दोस्तों देखिए, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी की व्यवस्था की गई है, प्लांटेशन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है चांदनी चौक। तो दोस्तों, ये है फेमस गली खजांची। दोस्तों, ये जो गली है वो अपने सूट और साड़ियों के होलसेल मार्केट के लिए फेमस है। आप यहाँ पे अगर होलसेल में आपको ख़रीदारी करनी है तो ज़रूर इस गली में विजिट कीजिए, बहुत ही सस्ते रेट में, जेन्युइन रेट में आपको सामान मिलेगा। दोस्तों, ये अपने स्क्रीन पे आप लहंगा देख रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा ब्राइडल मार्केट कोई है तो चांदनी चौक है। यहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी मिलती है ब्राइडल से रिलेटेड। तो ये देखिए खूबसूरती इनकी, और इतने सारे यहाँ पे शॉप हैं, बड़े बड़े शॉप हैं जो ब्राइडल के लिए बहुत ही फेमस है। तो ब्राइडल का इससे ज़्यादा वैरायटी इंडिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप एक बार ब्राइडल लेना है तो ज़रूर विजिट करें चांदनी चौक में, सस्ते रेट में और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, शेरवानी का कलेक्शन, ज़बरदस्त शेरवानी। तो ब्राइडल के लिए आप ज़रूर ही यहाँ पे आएँ और अच्छी अच्छी ख़रीदारी कम रेट में करें। तो दोस्तों, ये आपके सामने है शीशगंज गुरुद्वारा, ये चांदनी चौक पे ही स्थित है, बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे खूब सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और हमेशा यहाँ पे भीड़ ऐसे ही देखने को मिलती है। तो ये गुरुद्वारा है। चांदनी चौक की एक अपनी खासियत है कि ये सबके लिए यहाँ पर सामान उपलब्ध है। या अगर आप डिज़ाइनर ब्राइडल वेयर लेना चाहते हैं
तो वो भी मिल जाता है, और अगर नॉर्मल सस्ते से ब्राइडल वियर लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है। तो ये है चांदनी चौक की खासियत, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा हर तरह की हर वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप ज़रूर आएँ चांदनी चौक, अगर दिल्ली हैं, दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, पूरे इंडिया से कहीं से भी आप आ सकते हैं दिल्ली, जब भी आएँ तो चांदनी चौक ज़रूर मार्केट घूमें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, चांदनी चौक सबसे ज़्यादा फेमस है अपने जायकेदार, अपने लजीज और अपने स्वादिष्ट पकवान के लिए। तो दोस्तों, ये है जलेबी वाला, यहाँ पे मिलता है शुद्ध देसी घी का जलेबी। तो देखिए, ये शुद्ध देसी घी के बड़े बड़े जलेबी, देखने के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जलेबी के साथ रबड़ी भी मिलती है, और रेट आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो बहुत ही ऑसम टेस्ट है, ऐसा टेस्ट मैंने कभी खाया नहीं था। मैंने भी जलेबी यहाँ का टेस्ट किया, बहुत ही मज़ा आया। तो आप जब भी आएँ ज़रूर खाएँ यहाँ की जलेबी। तो दोस्तों, अब चलते हैं इंडिया ही नहीं वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली में। चांदनी चौक अपने पराठे वाली गली के लिए बहुत ही फेमस है। तो देखिए, यहाँ पे ये पराठे सिक रहे हैं, बहुत ही टेस्टी पराठे। यहाँ पे बहुत तरह के वैरायटी के पराठे मिलते हैं, तो आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ही पराठा टेस्ट करें। मैंने भी टेस्ट किया था पहले, लेकिन आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये पूरा रेट लिस्ट है, ये आप देख लीजिए कितने वैरायटी के पराठे यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आएँ तो पराठे ज़रूर खाएँ, और अपनी फैमिली के साथ आएँ तो और भी मज़ा आ जाए। तो दोस्तों, ये है चांदनी चौक का टेस्ट, लाजवाब, ऑसम। ये सबसे पुराने पराठे वालों की दुकान है गया प्रसाद, तो आप यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चांदनी चौक के पराठे तो वर्ल्ड फेमस हैं ही, लेकिन चांदनी चौक अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत ही फेमस है। यहाँ काफ़ी तरह के स्ट्रीट फूड मिलते हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन पे। मेरा दावा है कि आप इन स्ट्रीट फूड को देख के आपके मुंह में पानी ज़रूर ही आ जाएगा। चांदनी चौक का फेमस नटराज दही भल्ला कॉर्नर है, ये 1940 से यहाँ पे है, और इस पर हमेशा भीड़ रहती है। ये लाजवाब दही भल्ले इसके होते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों, ये है नई सड़क, चांदनी चौक की सीमा यहीं तक समाप्त होती है, लाल किला से शुरू होकर नई सड़क तक। और ये देखिए, काफ़ी यहाँ पे एरिया बड़ा है, काफ़ी खुला खुला यहाँ पे है। और तो यही रोड जो है नई सड़क है, अंदर जो जा रहा है तो इसमें भी वैसे ही दोस्तों साड़ी, सूट, लहंगा, चुन्नी सबके लिए फेमस मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है इधर भी। तो लेकिन एक और चीज़ यहाँ की फेमस है, नई सड़क में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बुक्स के बहुत सारे शॉप हैं, बच्चों के ले लीजिए, बड़ों के लिए, हर तरह के बुक्स अवेलेबल है। तो बुक्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है ये अंदर में। तो दोस्तों, ये है चांदनी चौक का सबसे बड़ा वस्त्रालय, अरुण वस्त्रालय। यहाँ पर साड़ी, लहंगा, चुन्नी, ब्राइडल हर चीज़ उपलब्ध है, वो भी जेन्युइन रेट में, फिक्स प्राइस है यहाँ पे। आप यहाँ पर थोक के साथ साथ फुटकर में भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी रिटेल में भी। और ये चांदनी चौक के नई सड़क रोड पर स्थित, ये जो आप स्क्रीन पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख रहे हैं, ये शादियों के संगीत में और हल्दी में बहुत यूज होती हैं, बहुत ही सस्ते रेट में यहाँ उपलब्ध है, बहुत ही वैरायटी है। चांदनी चौक अपने ज्वेलरी मार्केट के लिए बहुत ही फेमस है, यहाँ का सराफा बाज़ार बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ढेर सारी गलियाँ हैं जिसमें सिर्फ ज्वेलरी का ही मार्केट है। तो आप यहाँ पर आके बहुत सारी वैरायटी की, बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट वैरायटी की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ा सराफा बाज़ार है। ज्वेलरी गली में ही शील्ड और ट्रॉफी की बहुत बड़ी शॉप है जैन ज्वेलर्स के पास, तो बहुत ही बड़ा शॉप है, तो यहाँ पे आप आके ट्रॉफी वगैरह भी ले सकते हैं। चांदनी चौक में ही सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च है, ये बहुत पुराना चर्च है, बहुत ही फेमस चर्च है, तो यहाँ भी जाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ आप बच्चों के लिए छोटे छोटे साइकिल, राइडिंग से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें, जैसे हाथी, ऊँट और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, वॉकर, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना है कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है। तो दोस्तों, ये है
चांदनी चौक का टॉय मार्केट, यहाँ पे वॉच मार्केट भी इसके अंदर है और ढेर सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसकी आवश्यकता होती है, तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा है, तो आप इस तरह के ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले सकते हैं, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही सस्ता और जेन्युइन रेट में यहाँ पे मिल जाता है, बार्गेनिंग लेकिन ज़रूर कीजिएगा। तो ये है दोस्तों वॉच मार्केट, यहाँ पे ढेर सारी लाखों वैरायटीज़ की वॉच यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में अच्छे अच्छे डिज़ाइनर वॉच ले सकते हैं। और ये देखिए, ये एक ये आपके स्क्रीन पर है फैंसी डिज़ाइनर मयूर वॉच। तो ऐसे ही ढेर सारी वैरायटी के फैंसी वॉच आपको मिल जाएंगे, बहुत ही जेन्युइन रेट में मिलेंगे। तो अगर चांदनी चौक आएँ तो वॉच मार्केट भी ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों चांदनी चौक मार्केट का वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ही एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है। अगर मेरा मेहनत मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मेरे से एक मार्केट रह गया, LED मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उसे भी मैं कभी कवर करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।